मिजोरम विधानसभानी चूंटणी माटे मतदान चालू सवारे 8 वाग्याथी राज्यनी 40 बैठकों पर मतदान शुरू थयुं। मतदारों पोताना शांतिपूर्ण माहौल में मताधिकारनो उपयोग करी रह्या छे। 4 लाखथी वधु महिला सहित 8.57 लाख मतदारों मतदान करशे। मिजोरमना 174 उम्मीदवारों राजकीय भावी नक्की थशे। मिजोरम में 1276 मतदान मथकों उभा कराया छे। सवारे 8 वाग्याथी राज्यनी 40 बैठकों पर मतदान शुरू थयुं। मिजोरमना 174 उम्मीदवारों राजकीय भावि नक्की थशे। कल्पना छत्तीसगढ़ की जनता के मन में है, वो विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता जीते और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस बार के चुनाव अभियान के बाद 100% विश्वास मुझको है कि भारतीय जनता पार्टी प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। जो आपको लग रहा है इतना बड़ा बहुमत आएगा, पिछली बार जो स्थिति थी और आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत आएगा, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इनके झूठ के वादे, झूठ का पुलिंदा जो 5 साल पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किए थे आज भी अधूरे हैं। जनता उसके लिए सवाल कर रही है और हमने किसानों के संतुष्ट करने के लिए, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए धान के कीमत में वृद्धि की है 3,100 रुपया और 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की है। तो ये एक मुश्त में बोनस देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2 साल का बोनस 4200 करोड़ 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पे देने की घोषणा की है। 500 रुपया गैस का सिलेंडर देने की बात की है। महिलाओं को 12,000, श्रमिकों को 10,000 रुपया वार्षिक देने की घोषणा की। इतनी सारी समाज के लिए घोषणा है और उससे बड़ी बात डेवलपमेंट। मोदी के साथ हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में विकास आगे बढ़ेगा। महादेव ऐप कितना बड़ा मुद्दा है? निश्चित बात है करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3-3 अधिकारी इससे लिप्त है, उनको पैसा मिलता है। उनका बयान जो आया है सोनी का, जो महादेव का प्रमुख है, संचालक है, कि मैंने 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, 5.7 यानी 5,70,00,000 रुपया। छत्तीसगढ़ी 20 बैठकों माटे मतदानी शुरुआत प्रथम तबक्का में कुल 25 महिला सहित 223 उम्मीदवारों मैदान में छे। 156 मतदान केन्द्र में 5,304 मतदान मथकों वहली सवारथी मतदान करवा माटे मोटी संख्या में उमटिया। 40,78,681 मतदारों पोताना मताधिकारनो उपयोग करशे। बस्तरना 600 वधु मतदान मथक पर 60,000 वधु जवानों तैनात कराया छे। महत्वनुं छे कि छत्तीसगढ़ में बीजा तबक्कानुं मतदान 17 नवम्बरे थशे, जेमां बाकीनी 70 बैठकों माटे मतदान योजाशे। तमाम बैठकोनुं परिणाम 3 डिसेम्बरे जाहेर करवामां आवशे। समाचारमां रोकाईशुं हाल एक ब्रेक माटे।